फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम डॉक्टर उर्वी शर्मा एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग FMG एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्क्रैच. सो दिस एग्जामिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट एग्जाम नाउ डेज बिकॉज इन द रिजल्ट द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ द जूम एग्जामिनेशन वॉज जस्ट 9% एंड व्हेन आई गेव माई एग्जाम बैक इन दिसंबर 2022 the result was 30%, but because of the students' dedications and due to war and COVID, the student have got more time to prepare for the exam, that's why. But now you just have September, October, November, just have 3 months to prepare for the examination. So let's talk about in brief, and please watch this complete video, and I hope this will help in your preparation. So let's get started. इस एग्जामिनेशन में 300 क्वेश्चंस आते हैं. अपन आप सबको पता होगा उनमें से अपन को 150 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, राइट करने हैं. दैट इज़ जस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस, बट वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लाना, क्योंकि जो पैटर्न है वो वन लाइनर्स होता है. कभी कभी वो बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और आप उसको गैस नहीं कर सकते कि एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन सेट करके देगा. नीट पीजी से भी डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, बिकॉज कभी कभी वो मेडिसिन का क्वेश्चंस नहीं देते हैं, कभी सर्जरी के दे देते हैं ज़्यादा, कभी हटा देते हैं, कभी ऑनको पार्ट ज़्यादा आ जाता है. ये सब चीज़ें हैं जो कि एक FMG एस्पिरेंट समझ सकता है जिसने इस एग्ज़ाम को दिया हो और जो इस एग्ज़ाम को दे चुका है कम से कम 2-3 बार, वो ज़्यादा अच्छे से जानता है. और मैंने तो एक ही बार भी दिया था एंड बाय गॉड ग्रेस वो क्लियर भी हो गया, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है. तो मैं उन सभी एस्पिरेंट्स की बात करूँगी जो जिनका पहला अटैम्प्ट है और जो जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटैम्प्ट भी है, तो वो निराश ना हो, बिकॉज मैं काफ़ी अपने सीनियर्स को जानती हूँ जिन्होंने ये सेकंड, थर्ड अटैम्प्ट में दिया तो भी इनका क्लियर हुआ है. इस टाइम भी कुछ एक दो लोग हैं जिनका क्लियर हुआ है एंड पिछली बार भी क्लियर हुआ था. तो ऐसा नहीं है कि थर्ड, फोर्थ अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा. आपको बस अपनी जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आप कुछ तो चीज़ छोड़ रहे हैं या फिर कवर अप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लैक कर रहे हैं, तो आपको कवर अप करनी है. तो बात करते हैं 19 सब्जेक्ट्स की, कि किस सब्जेक्ट को आपको कहाँ से करना चाहिए एंड मैंने कहाँ से किया था एंड मैं क्या प्रेफर करती हूँ आए हुए पैटर्न को देखते हुए. तो मैंने एनाटॉमी से शुरू करते हैं. एनाटॉमी में मैंने पूरे पूरे वीडियोस जब मैं अपने फोर्थ ईयर में थी, क्योंकि मेरा 6th ईयर का कोर्स था यूक्रेन वाला, जो मैंने यूक्रेन की है ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से. तो जब मैं 4th-5th ईयर में थी तब मैं रविराज सर के वीडियोस देखा करती थी मैरो से. मुझे पर्सनली मैरो ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने वही बाय किया था और मुझे उसी के फैकल्टीज़ बहुत अच्छे लगते हैं. बट प्रेप लेडर भी सेम है, वो भी अच्छा है FMGs के लिए, बट अभी उन्होंने सारी फैकल्टी चेंज करके सेरिबेलम में कर दी है, आप जानते हैं. तो आपके ऊपर है कि आपको किस सर से पढ़ना पसंद है, बट जो रवि राजीव कौशल जो भी नाम उनका, उनके 250 वीडियोस हैं जो कि कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. रविराज सर के भी कम नहीं है, लेकिन ये है कि रविराज सर के आप RR देखोगे तो आपको वो बेनिफिशियल हैं, क्योंकि उन्होंने 3D इमेजिंग एनिमेशन और उन सबसे बताया है, तो ज़्यादा अच्छा है याद करने के अकॉर्डिंग. तो एनाटॉमी मैंने 4th ईयर में मैरो से की थी, लेकिन मैंने FMG के प्रिपरेशन के टाइम डॉक्टर आजम सर की वीडियोस देखे थे एंड लास्ट में मुझे पता चला था कि मिस्ट की जो मैम है शिल्पी मैम, उनके जो क्वेश्चन हैं उनके नोट्स में से सीधे सीधे आता है. तो मैंने उस चीज़ पे बिलीव करके अपने एक फ्रेंड की बात मान के मैंने वो मिस्ट के 25 क्वेश्चन आंसर जो यूट्यूब पर डाले होते हैं वो देखे मैंने, एंड बिलीव मी वही सेम क्वेश्चन आए थे, डायग्राम सेम था एकदम, उसमें मार्किंग्स चेंज हो गए थे ए का बी, बी का ए. तो मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप डॉक्टर शिल्पी जो मिस्ट में है मैम थी, मतलब अभी मुझे करंटली पता नहीं उसी में होंगी, तो उनके अगर नोट्स आपको या वीडियोज़ मिल जाते हैं तो आप एनाटॉमी के लिए डॉक्टर शिल्पी मैम के वीडियोस देखिए एंड डॉक्टर रविराज सर से आप RR दे सकते हैं. आजम सर के एनाटॉमी उनके लिए अच्छी थी जिनको बिल्कुल एनाटॉमी पढ़ानी है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उनके उसमें से अभी कुछ भी नहीं आता है. डॉक्टर आजम सर के RR में से इनमें से कुछ नहीं आता है, वो आपके बेसिक नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन FMG एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएंगे वो डॉक्टर शिल्पी मैम ज़्यादा अच्छे से कवर करती हैं. उसके बाद में बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की. तो बायोकेमिस्ट्री में भी मैंने डॉक्टर आजम सर के वीडियोस देखे थे जो 3 डले हुए हैं जो सब देखते हैं रैपिड रिवीजन वाले. और उसके बाद में डॉक्टर अंकित हमें आए थे पढ़ाने के लिए, अंकित या सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे सर थे वो, साइकेट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं. उनका TND बहुत ही बढ़िया था जो उनने लास्ट में लिया था NLC में, वो इतना बढ़िया था कि उससे मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट एकदम खुल गए थे और एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चन आए थे काफ़ी 5-6. और जो मैंने मिस्ड का 25 क्वेश्चन तो कवर किए हैं, सर का नाम तो मुझे याद नहीं है,
एक मिस्ट के जो सर हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन वीडियो डाला था दिसंबर एग्जाम से पहले, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन कवर अप हुए थे। मेरे बायोकेमिस्ट्री के पूरे 28 से 30 क्वेश्चन सही निकले थे एग्ज़ाम में। एंड अच्छा हुआ मैंने वो वीडियो जस्ट एक दिन पहले देख ली थी एग्ज़ाम के, और वही सेम क्वेश्चंस मतलब लगभग आ गए थे। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा अपना दिमाग नहीं खपाया, यही दो तीन चीज़ें कवर की हैं मैंने। उसके बाद में फिजियोलॉजी में डॉक्टर आशीष सर हैं हमारे एनएलजी के, उन्हीं की फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उन्हीं के 3-4 बार फिजियोलॉजी के वीडियो देख के रैपिड रिवीजन देख के फिजियोलॉजी को साइड में रख दिया था, उस पर इतना जोर नहीं दिया क्योंकि वो फिजियोलॉजी मेडिसिन सब मिक्स होकर कवर होती है, तो इतना कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो बिल्कुल पढ़ने में अच्छी नहीं लगती है, जो कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और हम लोगों को मतलब याद भी नहीं रहती है, माइक्रोबायो और पैथोलॉजी। तो माइक्रोबायो जो है वो हमारी हमें पढ़ाई थी सोनू पवार सर ने, डॉक्टर सोनू पवार सर ने, जो प्रेपलेडर में थे तब, और उनकी मेन क्लासेस मैंने अटेंड करी थी। तो उनने काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें जो हैं याद कराने, निमोनिक्स तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो एक पैटर्न था सर का पढ़ाने का, मेन जो ने हाईलाइट करा था, वो मुझे काफ़ी कुछ याद हो गया था। उसके बाद मैंने रिवीजन के टाइम पे तो मैंने डॉक्टर प्रीति मैम के आरआर वीडियोस देखे पूरे एक बार, तो मेन वीडियोस भी देखे अनअकैडमी का एक फ्रेंड से लेके, और दोबारा उसको आरआर देखा उसका जितने टाइम पढ़ती रही, और मैम ने जितने वीडियोज़ डाले यूट्यूब पर बिफोर एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक भी, मैंने सारे वीडियो मैम के कवर कर रखे थे डॉक्टर प्रीति मैम के, पैथोलॉजी के भी और माइक्रोबायोलॉजी के, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। और इन दोनों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्ट पेपर में आए थे मेरे टाइम, तो दिसंबर में, जून का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट मैंने सिर्फ रिव्यू किया था पेपर को। तो अब बात करते हैं पैथोलॉजी की। तो एनएलसी में पैथोलॉजी पढ़ाने के लिए हमको डॉक्टर ए के सेठी आए थे, और उनके जो नोट्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प हैं एफएमजी के लिए वो बेस्ट हैं। उतना पढ़ो उतना याद अगर आपने रख लिया तो आपके एग्ज़ाम में मतलब 80% पैथोलॉजी क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, प्रीति मैम कैसे भी होंगे, और सर के तो हैं ही बहुत अच्छे। अगर आपको सर, अगर आपने बाई चांस सर से पढ़ा है या आपको कहीं से मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। रेपिटिविजन प्रीति शर्मा मैम का है ही बढ़िया। तो ये प्रीति शर्मा मैम को मैं सजेस्ट करूँगी आपको माइक्रो और पैथो के लिए, अभी वो प्रेपलेडर पे आ चुकी हैं तो अच्छी बात है, प्रेपलेडर पे आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद में फार्मा के लिए सारे लोग गोविंद सर के फैन हैं, लाइक 90% लोग उन्हीं से पढ़ते हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे डॉक्टर रंजन पटेल सर पढ़ाने आए थे, मैरो में भी वही हैं और मेन क्लासेस भी मैंने उन्हीं से ली थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पढ़ाने का तरीका, कंसेप्ट, हर चीज़। तो मैंने उन्हीं के नोट्स प्रिपेयर करे थे, उन्हीं के फार्मा वन टच फार्मा का जो एक उन्होंने बुक निकाली थी उससे पढ़ा था, रिवीजन किया था। एंड फार्माकोलॉजी मेरी जो कुछ भी मुझे आता है वो मेरे रंजन सर ने सिखाया है, वो बहुत बढ़िया सर है। देन ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर शाश्वत रे सर की जो भी वो तरीका है, पैटर्न है, जो भी उनका पढ़ाने का तरीका है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस में तो मज़ा आ जाता है एकदम। लेकिन आई डोंट नो प्रेपलेडर पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ कैसे हैं, लेकिन सर का पढ़ाने का तरीका बहुत बेस्ट है और उसी में से क्वेश्चन आए थे काफ़ी सारे। तो सर के ऑप्थेल्मोलॉजी की मेन क्लासेस मैंने अटेंड करी थी, और मैंने एग्ज़ाम से पहले एक्चुअली दिल्ली में वहाँ पे मैम थी निकिता मैम, तो उनका एक ये मैजिक बुक करके उन्होंने एक चीज़ निकाली थी, ये 150 मैजिक, ये फर्स्ट बुक है उन्होंने, उसके बाद तो उन्होंने सेकंड थर्ड बहुत सारे सेशन लिए, पहली बुक है, पहली मतलब क्लास कंडक्ट जो कराई थी उसमें मैं गई थी मैं। तो इस बुक के कुछ उनने ऑप्था में टॉपिक कवर किए थे, वो इमेज और वो एक पार्क क्लासिफिकेशन था, वो सब कुछ सेम टू सेम एग्ज़ाम में आया था। तो मेरा वो थैंकफुल हूँ मैं निकिता मैम को कि मैंने अच्छा हुआ एक क्लास अटेंड करी और वो मेरा बन गया। वो आईना सेट लेवल का क्वेश्चन था जो कि उन्होंने एफएमजी एग्जाम में दिया हुआ था। अब जाके मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि जो एफएमजी का एग्जामिनेशन है वो नाम का एफएमजी है जस्ट बिकॉज हम फॉरेन से पढ़ के आए, लेकिन उसमें नीट पीजी आईना सेट एम्स लेवल के तक क्वेश्चन लोग डाल के रखते हैं, वेटेज उसका कुछ भी होता है, कभी मेडिसिन देते हैं, कभी सर्जरी दे देते हैं, कभी हटा देते हैं दोनों सब्जेक्ट, तो आप उसको गैस नहीं कर सकते पेपर में क्या आने वाला है। आपने बाय चांस मान लो एक सब्जेक्ट करा, दो छोड़ गए, पेपर में वही दोनों सब्जेक्ट आ गए जो आप छोड़ के गए थे, इसलिए बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एफएमजी को कुछ आता नहीं है या फिर बाहर से पढ़ के आए कुछ, क्योंकि अपन की, आप लोगों की गलती, अपन लोगों की गलती ये हो जाती है कि कम टाइम की चलती है, अपन कुछ सब्जेक्ट स्किप कर देते हैं। मेरा कहना ये है आप सब्जेक्ट स्किप ना करें, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम में। उसके बाद में बात करते हैं ई एन टी के लिए डॉक्टर राजीव सवन सर इज़ बेस्ट, उनकी वीडियोस छोड़िए, प्रेपलेटर मैरो जिससे भी आपने पढ़ा है उनको वीडियोस छोड़िए, आप राजीव धवन सर के पूरे आप मेन वीडियोस देखते हुए आरआर कवर करो, पूरा का पूरा आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चैंटिंग बुक जो हुई है वो भी सर के नोट्स पे से बनी है, तो जो डॉक्टर पारस की चैंटिंग है उसको देखोगे आप तो एकदम आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देन बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की, पीडियाट्रिक्स हमें पढ़ाई थी डॉक्टर सिंगाराम सर ने, और वो मैरो की फैकल्टी हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने सिर्फ 60 पेजेस में पूरी की पूरी पीडियाट्रिक्स कवर कर दी थी, एंड मैंने डिजिटल नोट्स बनाए हुए हैं उसके,
अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको अपलोड कर दूंगी किसी प्लेटफॉर्म पे फ्री में। तो मैं ऑफकोर्स वो नोट्स नहीं दूंगी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं और मेरे हैंड रिटन मतलब डिजिटल नोट्स हैं, तो फ्री में तो मैं अपलोड नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगी। उसके बाद में बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन के लिए डॉक्टर दीपक मारवा के सारे वीडियोज़ जिसने देखे हैं उसने आधी गंगा तो नहा ली है, वो बिल्कुल पास होने के बहुत करीब है ना। और दूसरी बात, हमें NMC में डॉक्टर आशीष सर ने पढ़ाए थे, तो उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रो, न्यूरोलॉजी के जो भी मेन टॉपिक्स होते हैं, जो हाईलाइट टॉपिक्स होते हैं, वो पूरे बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। ABG जो होता है उस पर क्वेश्चन आता है, हर चीज़ पर जिस पर क्वेश्चन आता है उनने सारे कवर किए थे। उसको छोड़ के जो रह गया था, जस्ट जो हमें लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है, सर ने स्किप करा है या सर ने वर्कलोड की वजह से उतना पढ़ाया नहीं है, तो वो चीज़ मैंने डॉक्टर दीपक मारवा के रैपिड रिवीजन को देख के कवर कर ली थी। आपको पास होना है तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी चीज़ों में क्या ऐड ऑन करना है। आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। जैसे मुझे मालूम है मेरे का ये पोर्शन जो है मेरा वीक है और ये चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे पता है इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। जब मुझे मालूम है तो मैं उसको क्यों छोड़ के जा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती थी, छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेडिसिन कवर करने के बाद में मेडिसिन को मैंने रिवीजन टाइम कम ही दिया था क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नहीं हो पाता है बार बार। उसकी जगह मैंने सर्जरी, PSM, ऑफ्जाइनी ज़्यादा रिवाइज करी बजाय मेडिसिन के, क्योंकि 50-50 था, आया नहीं। और मेरे एग्ज़ाम में मेडिसिन क्वेश्चन आए थे, इनडायरेक्टली थे, बट बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। ECG पे क्वेश्चन नहीं आया था, जो भी हम पढ़ते हैं वो कोई क्वेश्चन नहीं आया था हमारे टाइम पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ऑब्सगाइनी की। ऑब्सगाइनी में मेरे साथ ब्लंडर हो गया था क्योंकि मैं हमेशा मैरो से पढ़ती थी। डॉक्टर साक्षी अरोरा मैम से मैंने वीडियोस देख के पढ़ा था, उन्हीं का मेरा कंसेप्ट था। एंड NLC में चूंकि डॉक्टर प्रशांत विज सर पढ़ाने आते हैं तो उनके वीडियोस सुने, पढ़ाया उन्हें भी बहुत अच्छा था, पर मेरा जो भी है सब मिक्स हो गया था। और फिर मुझे लास्ट में बहुत कन्फ्यूजन हुई कि इनमें से पढ़ूँ या उसमें से पढ़ूँ या किसका रिवाइज करूँ। लेकिन एट द एंड मैंने मिस्टर साक्षी अरोरा मैम, जो दोनों ऑलमोस्ट सेम नोट्स हैं, उनको चूज़ किया और वही मैं पढ़ के गई। लेकिन कहीं ना कहीं क्लासेज, मेन क्लासेज का बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए जो मेन नोट्स आप बनाओ वो ऐसी फैकल्टी को चूज़ करके बनाओ जिसको आप चेंज ना करो बार बार। उसके बाद में बात करते हैं PSM की। तो PSM के लिए हमें आए थे मुख मोहित सर, जो कि मैरो की फैकल्टी है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो सारे लेटेस्ट डाटा को कवर करते हुए वो पूरा का पूरा आपको सिस्टमेटिक पढ़ा देते हैं एंड पूरा अपडेटेड रहता है मैरो का भी। आप पर्ल्स में देख लो चाहे किसी में देख लो। तो आई विल सजेस्ट यू कि मैरो के मुख मोहित सर से आप कर सकते हैं, जिनको विवेक जैन सर पसंद है वो उनसे भी पढ़ सकते हैं, किसी एक सोर्स से आप पढ़ाई करना। उसके बाद में आती है सर्जरी। सर्जरी में हैं जे अरोरा सर ने हमें क्लासेस ली थी मेन, और उन्होंने PG लेवल तक का बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया था मेरा। बट उनके जो नोट्स थे वो लोग क्लास में लिख ही नहीं पाए थे। मैंने तो कंप्लीट नोट्स लिख लिए थे होपफुली, और मेरा बहुत अच्छे से रेडी भी था, लेकिन मैं उसको रिवाइज नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने एंड में 2-3 वीक्स बिफोर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, जो कि काफ़ी रिस्कली मैंने मिस्ड के जो विनिंग्स सर हैं उनके मैंने वीडियोज़ उठा के कहीं से मिले तो वो ढूंढे, वो पढ़ा मैंने, और वो बहुत ही नॉर्मल वीडियोज़ थे। तो जल्दी से देख के मैंने 2x पे देख के उनको कवर अप करा, और बहुत ज़्यादा मतलब सर्जरी जो कवर अगर कह सकते हैं तो वो उसी से कवर हुई है मेरी, क्योंकि ये मेन नोट्स में पढ़ नहीं पा रही थी। सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं PG के लिए, लेकिन FMG के लिए तो वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में बात करते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था मेन क्लासेस में, तो मैंने सुना ही था ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं थोड़ा पढ़ के पास हो गई, पढ़ा मैंने सारा है, लेकिन रिवीजन के टाइम मैंने उसको कम कर दिया, कंसाइज कर दिया, तभी मेरे ज़्यादा अच्छे चांस बने पास होने के। उसके बाद में साइकेट्री, अब आता है प्रोफेट की बात। प्रोफेट में साइकेट्री, रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, FMT, एनेस्थीसिया और डर्मेट। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में FMT इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 से 15 नंबर का आता है, रेडियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, डर्मेट। उसके बाद में ऑर्थो, साइकेट्री और एनेस्थीसिया में से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आप बाद में रख सकते हैं। अब इन तीनों में से FMT में डॉक्टर मगेंद्रन सर आए थे प्रेपरेटर के, बहुत अच्छे हैं उनके नोट्स भी, और जो जामर सर हैं उनके भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। आपको जो पसंद है आप वो देखो, पूरा मेन वीडियो से पढ़ो और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQs और सब कुछ आपका हो जाएगा FMT। और तो मैं हमको पढ़ाने आए थे डॉक्टर नितिन सर, वो बहुत अच्छे, उनके फंडा थे, एकदम मस्त हंसते हुए वो पढ़ाते थे, उनके बहुत अच्छे एग्जांपल्स होते थे, और चैंटिंग करके हमारी कवर हो गई थी। और तो रेडियो में डॉक्टर निकिता नानवानी मैम आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सारे मैंने उनकी वीडियोज़ देखे रेडियोलॉजी के, और रैपिड रिवीजन भी मैंने निकिता नानवानी मैम के वीडियो से ही किया था। फिर साइकेट्री में डॉक्टर अंकित गोयल के मेन क्लासेस के मैंने वीडियोज़ देखे थे, और मेन क्लास उन्हीं की क्लासेस के नोट्स बनाए थे। मुझे उनका पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा लगता था बजाय प्रवीण सर और मैरो सर के, मैरो वाले सर के। तो
डॉक्टर अंकित गोयल की मैंने वीडियोज देखी थी। उसके बाद में बात करते हैं एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया में पढ़ाने आए थे अनअकैडमी के फैकल्टी डॉक्टर विनीश श्रीवास्तव, उन्होंने मेन क्लासेस ली थी और फिर मैंने एनएमसी की चैंटिंग से और आशीष सर और इस पारस सर बहुत अच्छे से कवर कर देते हैं। एनेस्थीसिया 5 नंबर का आता है, पूरे 5 के 5 क्वेश्चन सही निकलते हैं। उसके बाद में डर्मेट के लिए डॉक्टर मनीष सोनी सर आए थे, उनकी मेन क्लासेस अटेंड की थी, उन्हीं का आर आर देखा था, उन्हीं से रिवाइज किया था नोट्स से, एंड 5 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं डर्मा के। बस ये कि आप भूल जाओगे इसलिए आपको वंस इन अ व्हाइल याद रिवीजन करते रहना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का। रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन में मेंस वीडियोस आपके एक बार खत्म हो गए उसके बाद में आपको सेम नोट्स से रिवीजन करना है, चेंज नहीं करना है सोर्स मेरी तरह, क्योंकि मैंने बहुत ब्लंडर करे हैं रिवीजन नोट्स चेंज करके मेन नोट्स से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी आप ऐसा करो, जो एक बार बन गए मेन नोट्स वही उन्हीं से रिवाइज करना है आपको, ठीक है। और आप ये कर सकते हो कि यूट्यूब पर जो वीडियोस चलते जा रहे हैं उनको देखते रहो प्रैक्टिस के लिए, कि MCQs हो गए, सजेस्टेड कंटेंट हो गया कि ऐसा ऐसा, वो देखते रहो, लेकिन आपको मेन नोट से स्विच नहीं करना है। उसके बाद में आरआर में आप जिस सब्जेक्ट से जिस मेन टीचर के क्लासेस से पढ़ा है उसी के आरआर देख लो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद में PYQs वीडियोस आप दे पूरे याद कर लो कैसे आए लास्ट 10 ईयर्स के। FMG सॉल्यूशन बुक का भी बहुत रिव्यू है कि जिनने 5-10 बार उस किताब को पढ़ा है उनके 200 से नीचे मार्क्स नहीं आते। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्योंकि 4-3 महीने में आप बताओ आप क्या क्या पढ़ोगे, मेन क्लासेस PYQ नोट्स ये वो इधर उधर भागने, किससे अच्छा है नोट्स पे फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में नए आने वाले। फिर RR हो गया, PYQs हो गए, GT आपको देना चाहिए। अब आपके 3 ही मंथ्स बचे हैं तो आपको हर वीक एक GT देना चाहिए, क्योंकि GT देने से घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सब्जेक्ट नहीं है ये नहीं होगा ना, जितना GT दोगे उतना क्वेश्चन रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा दिमाग प्रिपेयर होगा, पता चलेगा 4 ऑप्शन देख के ये आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ लेकिन अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद में मैं क्या करती थी, मैं अपने ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन हमेशा ये सेल्फ डाउट आता था, होगा नहीं होगा, यही टाइम चल रहा था उस टाइम भी, सितंबर अक्टूबर, और मेरा बहुत ही गंदा टाइम चल रहा था, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, कहीं मुझे कुत्ते ने काटा, कहीं कुछ वो सब बैकग्राउंड में चल ही रहा था। लेकिन फिर भी अपने सीनियर से कंसल्टेशन ज़रूर करती थी कि दीदी भैया ऐसा लग रहा है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये वो, तो वो मुझे गाइड करते थे। और दूसरा मैं कुछ तो मेरे सीनियर्स थे उन्हीं के साथ मैंने बिग 4 सब्जेक्ट रिवाइज करे हैं, जो कि RML में काम करते का इंटर्नशिप करी है जिन्होंने वहाँ से, और उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, डॉक्टर मिताली, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर अंकेश करके भी थे एक, लेकिन आई एम लकी कि मुझे सही गाइडेंस मिला हमेशा। उसके बाद में चैंटिंग, मैंने हमेशा चैंटिंग की मैंने सारे सब्जेक्ट अटेंड करी थी, चैंटिंग मतलब जो भी सब्जेक्ट डॉक्टर पारस लेते थे वो जरूर अटेंड करती थी, क्योंकि उससे पूरे रिफ्रेश हो जाता था, याद आ जाता था ये ऐसा ऐसा है। देन PYQs और GT सॉल्व करती रहती थी बीच बीच में, और सेल्फ डाउट तो ठीक है, लेकिन कभी उस डाउट को इतना मेक श्योर नहीं करा कि नहीं मैं पास नहीं होंगी, मैंने हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात ही करी है, पास होना है, पहला और आखिरी अटैम्प है, पास होना है। तो जिनका फर्स्ट अटैम्प है उनको मैं यही कहूँगी कि आप हार मानो ही मत, आपको सीधा ये गोल रखना चाहिए अपना कि होंगी पास तो पहले अटैम्प में, वरना नहीं। क्योंकि अगर आप लटक जाते हो तो उनसे पूछो जो सेकंड थर्ड अटैम्प दे रहे हैं, उनसे पूछ लो आप, वो खुद कहेंगे कि हाँ भाई फर्स्ट अटैम्प में जो पास हो गए वो गोल्डन अटैम्प था, पास हो गए बहुत बढ़िया। नहीं होते हो तो कम से कम थर्ड अटैम्प लगता है, बहुत सारे लोगों का लगा है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर वो तो काउंटलेस है, आपका लक है, आपका हार्डवर्क है, आपका डेडिकेशन है, क्योंकि पहली बार में जितनी डेडिकेशन से हम पढ़ाई कर लेते हैं ना, सेकेंड थर्ड टाइम उतनी डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं होती, हमको लगता है ये तो याद है ये तो भी पढ़ा था, लेकिन वो कुछ याद नहीं रहता एंड बहुत वर्स होती जाती है कंडीशन। तो बेटर है कि आप अपना जो कुछ भी है अपना 100% जो फर्स्ट अटैम्प में, जो सेकंड हैंड अटैम्प वाले हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि आप अपने सोर्स को चेक करो, रीचेक करो, आपको क्या वो सब्जेक्ट जिस वीडियो से देखा था वो पूरा समझ में आ रहा है, आपको याद है, आपसे बन रहा है, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, कुछ तो छूट रहा होगा जो नहीं बनता और आप पकड़ नहीं पा रहे हो, वही आप एग्ज़ाम में करते हो गलतियाँ। आपको लगता है आपने पढ़ लिया, 4 बार मेरी वीडियोज़ देख लिए, पुराने देख लिए, पूरा मैरो देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप पेपर में नहीं हो पा रहे हो, कुछ तो आप गलत कर रहे हो। एंड इन द लास्ट मैं यही कहूँगी थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड मैं और भी वीडियोस डालती रहूँगी अपने कलीग्स और सीनियर्स के, जो उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या किया था, ये मैंने सब्जेक्ट्स की लिस्ट है ये जो मैंने डाल दी है ये मैं अपलोड कर दूँगी। एंड कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए हो या आपको मटेरियल नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट डाउन करके मुझे पूछ सकते हैं, अगर मैं अवेलेबल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।